हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो लेट अस सी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फंक्शंस इन ह्यूमंस. फर्स्ट वन, फेजेस ऑफ डाइजेशन. तो डाइजेशन के स्टेप्स जो है वो ये है. फर्स्ट वन इंजेशन, नेक्स्ट वन द मूवमेंट ऑफ द फूड, मैकेनिकल एंड द केमिकल डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एलिमिनेशन. राइट, ये रियल डेफिनेशन वाले नाम नहीं हैं, बट ये फेजेस है उसके, कि सबसे पहले इनटेक होता है, फिर मूव होता है, फिर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्सॉर्प्शन होता है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है, मतलब फूड जो है वो बाहर निकलता है. राइट, सो ऑल दीज आर नथिंग बट द फेजेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन दो टाइप का होता है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड द केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? व्हेन वी च्यू आवर फूड, टियर आवर फूड, ग्राइंडिंग, मैशिंग, मिक्सिंग. जब हम उसको दांत से चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, राइट, सो दैट इज़ नथिंग बट वॉट? मैकेनिकल डाइजेशन. और केमिकल डाइजेशन, जब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में जब पहुंचता है, तो केमिकल एक्शन होता है उसके ऊपर. राइट, सो दैट इज़ अ केमिकल ब्रेकडाउन. राइट, तो पहला होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है केमिकल. तो डाइजेशन के दो टाइप है. मैकेनिकल डाइजेशन मतलब च्यूइंग, दांतों से हम उसको बारीक करते हैं. राइट, तो वो हो गया मैकेनिकल मींस फिजिकल, एंड सेकंड वन इज केमिकल, जो केमिकल एक्शन होता है उसके बाद में, जब हमारी पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है, उसके बाद में केमिकल एक्शन होता है उसके ऊपर. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सबको डाइजेस्ट करना पड़ता है. तो केमिकल्स के विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स मतलब केमिकल्स. राइट, सो दैट इज़ नथिंग बट अ केमिकल टाइप ऑफ डाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए क्या क्या होता है. गैस्ट्रो, इसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है. राइट, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं इसे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. राइट, डायरेक्ट लिंक और पाथ बिटवीन दी ऑर्गन्स. राइट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी, माउथ. राइट, मतलब जहाँ से हम खाने को च्यूइंग करते हैं, दैट इज़ माउथ, जहाँ पे ग्राइंडिंग होता है फूड का. नेक्स्ट वन इज़ फेरिंग्स, थर्ड वन इज़ इसोफेगस, ये जो आपको दिख रहा है एरोस. ओके, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ऑल दीज आर नथिंग बट द पार्ट्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, फर्स्ट वन इज़ माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस. माउथ को बकल कैविटी भी कहा जाता है, माउथ और बकल कैविटी. सेकेंड वन इज़ फेरिंग्स, थर्ड वन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. नेक्स्ट वन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ माउथ. फर्स्ट पार्ट, दैट इज अ बकल कैविटी. टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस. हमारे टीथ का काम क्या है? फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना. राइट, देखिए यहाँ पे टीथ का फंक्शन. ओके, टीथ का फंक्शन है हमारे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना इंटू स्मॉल पीसेस. राइट, टंग का क्या काम है? टंग मिक्सेस फूड विद द सलाइवा. आपके मुंह में जो लार उत्पन्न होती है, जो लार प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सलाइवा. राइट, विच कंटेंस अमाइलेज, ये एक टाइप का एंजाइम है. विच कंटेंस अमाइलेज विच हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च, जो कि स्पेशली स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है. राइट, सो टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. टंग का क्या काम है? मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा. ओके, एंड सलाइवा से क्यों मिक्स करना है? बिकॉज सलाइवा कंटेंस अमाइलेज विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द स्टार्च. ओके, स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है. ओके, नेक्स्ट वन एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए अभी आपको, हाँ ये देखिए, इतने पार्ट्स आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन आपको मैं एपिग्लॉटिस दिखा देती हूँ. ये है एपिग्लॉटिस, दिस वन. ओके, ये एपिग्लॉटिस, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. प्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, आपके बकल कैविटी के, आपके जो मुंह के एकदम लास्ट में आपको एक प्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है? ओके, और किस लिए होता है? एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द थ्रोट. थ्रोट के बैक में जो होता है, दैट इज़ नथिंग बट एपिग्लॉटिस. यहाँ पे,
ये है एपिग्लॉटिस, ये जो आपको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ एट द बैक ऑफ द थ्रोट, राइट। नाउ इसका क्या क्या हमें, क्लोजेस ओवर द ट्रकिया प्रिवेंटिंग फ्रूट फ्रॉम एंटरिंग इट, ट्रकिया मतलब विंड पाइप, राइट। आपके गले में से दो पाइप्स जाते हैं, एक तो होता है फूड पाइप और दूसरा होता है विंड पाइप, हवा के लिए और फूड के लिए, राइट। जब आप खाना खाते हो तो खाना हमारे फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये ट्रकिया, ओके, ये दिख रहा है आपको, राइट। सो ये है एपिग्लॉटिस, ये है हमारा इसोफेगस मतलब फूड पाइप, और ये है ट्रकिया विंड पाइप। इसोफेगस में से फूड जाता है और ट्रकिया में से विंड जाती है मतलब एयर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एयर, राइट। सो दिस इज अ ट्रकिया एंड दिस इज इसोफेगस और ये हो गया एपिग्लॉटिस। तो जब ये एपिग्लॉटिस ओपन होता है तो खाना कहाँ पे जाएगा, खाना सीधे जाएगा इसोफेगस में, राइट। और जब आपको सांस लेनी होती है तो ये बंद हो जाएगा, राइट। और यहाँ से ये देखिए, राइट, तो हवा भी अंदर आ सकेगी, क्लियर। सो व्हेन इट गेट क्लोज, देखिए आप जब खाना खाते हो तो आप खाना और सांस एक साथ नहीं ले सकते। जब हम पानी पीते हैं, यू कैन ऑब्जर्व, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी सांस रुक जाती है, राइट, बिकॉज तब ट्रकिया बंद रहता है। तो वन बाय वन इट ओपन्स एंड क्लोजेस, राइट, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हाँ, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक क्लोजेस ओवर द ट्रकिया, ओके, ट्रकिया को क्लोज करता है मतलब एयर के पाइप को क्लोज करता है, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग इट, मतलब हमारा जो खाना है वो फूड पाइप में ही जाना चाहिए, एयर के पाइप में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए एपिग्लॉटिस उसको बंद कर देता है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द फैरिंग्स, आपके गले में लोकेटेड होता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट इसोफेगस, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, जो भी आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज़ अ फूड पाइप, राइट। ये देखिए यहाँ पे, ये है हमारा फूड पाइप, जो भी आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली इट इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड द फंक्शंस इंक्लूड, इसका फंक्शन क्या है, सीक्रेटिंग म्यूकस एंड मूविंग फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक यूजिंग मस्क्यूलर मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। आप चाहे सोते हुए खाना खा रहे हो फिर भी आपके पेट में ही जाता है, अगर आप उल्टा टांगे हुए हो अपसाइड डाउन फिर भी खाना पेट में ही जाता है, सो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस, राइट। दैट इज़ नथिंग बट वॉट, वेव लाइक मोमेंट ऑफ फूड इन द, जब भी आप जो भी खाना निगलते हो, ओके, तो वो वेव लाइक मोमेंट से कैसे जाता है, इसोफेगस से जाता है, राइट, वेव लाइक मोमेंट। सो दैट मस्क्यूलर मोमेंट इज नोन एज अ पेरिस्टाल्सिस, इट इज़ अ मस्क्यूलर मोमेंट, ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट पेरिस्टाल्सिस। सो फंक्शन क्या है इसोफेगस का, सिक्रेटिंग म्यूकस, म्यूकस को सिक्रेट करना, सिक्रेट मतलब प्रोड्यूस करना म्यूकस, राइट, एंड मूविंग फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। आपके मूव में से खाना स्टमक तक पहुँचाने के लिए, ये रहा स्टमक, राइट, ये स्टमक तक पहुँचाने के लिए जो भी पाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फूड पाइप और इसोफेगस। सो इसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज अ फूड पाइप। कितना लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फंक्शंस क्या है, सिक्रेटिंग म्यूकस एंड पेरिस्टाल्सिस, स्टमक। नेक्स्ट वन, ये देखिए जो रेड से दिखाया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टमक, राइट। जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग, ये है जे शेप का एक मस्क्यूलर बैग दैट स्टोर्स द फूड एंड ब्रेक्स इट डाउन इंटू टाइनी पीसेस, राइट। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली, जब तक केमिकल एक्शन नहीं होता तब तक, राइट। सो जे शेप का होता है, जैसे इंग्लिश का जे अक्षर होता है, राइट, जे लेटर, इट इज़ जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग दैट स्टोर्स द फूड एंड ब्रेक्स इट डाउन इंटू टाइनी पीसेस, जो कि फूड को स्टोर करने का काम करता है और उसको छोटे छोटे पीसेस में तो ब्रेक डाउन करने के लिए,
right? Mixes food with the gastric juices that contain enzymes to break down proteins and lipids. अब ये क्या करता है, आपके पेट में जो भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, राइट, गैस्ट्रिक जूसेस, इनमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम्स मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं विच ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च, अब जो भी खाते हो, जैसे हमने चावल खाते हैं हम लोग, तो इट इज़ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली इट किससे ब्रेक डाउन होता है, उसका सलाइवा से. सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, राइट, वो सलाइवा का फंक्शन है. लेकिन जो बचा हुआ खाना है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में, राइट. सो दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर ब्रेक डाउन स्लोली वन बाय वन, ये वन बाय वन हर एक पार्ट में ब्रेक डाउन होते रहते हैं. सो मिक्स, इसका काम क्या है स्टमक का, मिक्सेस फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस दैट कंटेन एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, आपने सुना होगा कि हमारे पेट में एसिड होता है, राइट, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक किल्स बैक्टीरिया. हम लोग जब भी खाना खाते हैं, बहुत बार हमारी बॉडी में बाहर से जो है बहुत सारे जर्म्स एंटर होते हैं, राइट, हवा में जर्म्स होते हैं, आपके हाथ पे जर्म्स होते हैं. तो हम जब भी हम हाथ ना धोते हुए खाना खाते हैं तो ये जर्म्स हमारे पेट में जाते हैं, लेकिन हमारे पेट में प्रोटेक्शन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, राइट. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, राइट. एंड फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड एज अ काइम. अब ये जो फूड जो कलेक्ट हो जाता है उसको कहा जाता है काइम, राइट. I hope you understood the function of stomach. Next part, small intestine. Small intestine कितना long होता है? Small intestine ये देखिए pink color से दिखाया हुआ है. It is a highly coiled structure. कितना? 7 meter long. इतना लंबा होता है, 7 meters. Right? 7 meter long, small, highly coiled structure. That is a small intestine. Right? तो ये लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है, बिकॉज उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, लेकिन लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, राइट. इट इज़ 7 मीटर लॉन्ग. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 7 मीटर लॉन्ग पाइप जो है वो हमारी एक स्टमक के नीचे के पोर्शन में, यू कैन इमेजिन कितनी सी जगह में है वो 7 मीटर लॉन्ग, राइट. 7 मीटर लॉन्ग पाइप, दैट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्टमक के नेक्स्ट पार्ट है, स्टमक का नेक्स्ट पार्ट. तो जब खाना स्टमक में से निकलता है उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन वॉल्स हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. सिंगुलर इसको कहा जाता है, विलस. तो ये है विलाई का स्ट्रक्चर, ओके. लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इसकी वॉल, इंटेस्टाइन की वॉल, इंटेस्टाइन के वॉल जो है वो प्लेन नहीं है, प्लेन नहीं है, वो ऐसी है. और ये कुछ थोड़े नहीं है, बहुत सारे, पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल जो है अंदर से वो ऐसी है, फिंगर लाइक, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, राइट. सो लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन वॉल्स हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना फूड ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा कम टाइम में, राइट. एंड विलाई आर कवर्ड इन माइक्रोविलाई विच फर्दर इंक्रीजेज सर्फेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन. तो इस तरह से हमारी बॉडी में फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. सो दिस आर नॉट, दिस इज 7 मीटर लॉन्ग, और इसमें क्या क्या होता है, विलाय होते हैं विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड. तो जो एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, राइट, वो होता है मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो हमेशा आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्सॉर्प्शन. एब्सॉर्प्शन मतलब आपको पता ही है कि जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, सक करती है, किससे, फूड से. तो वो एब्सॉर्प्शन का काम जो है, जैसे स्टमक में हमने देखा ब्रेकिंग डाउन डाइजेशन का काम होता है. डाइजेशन मीन्स टू ब्रेक डाउन. तो ब्रेक डाउन का काम जो है मैकेनिकल ब्रेक डाउन माउथ में होता है, उसके बाद वो फूड पाइप से पास होता है. केमिकल ब्रेकडाउन जो है वो स्टमक में होता है, उसके बाद फूड जो है वो पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट. और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसके बाद उसका एब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है, राइट.
नेक्स्ट वन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज़ हमने देखी है. देखो, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी वॉल्स में जो कि विलाय है वो फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं. एंड ये कहाँ पे जाते हैं? ईच विलस इज कनेक्टेड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसमें ब्लड होता है. राइट, हर एक विलाय किससे कनेक्टेड है? कैपिलरी से, ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड है. राइट, तो इस तरह से जो ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे, थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट, सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, क्योंकि हमें एनर्जी कैसे मिलेगी फूड से? फूड तो हमारी हर एक बॉडी के पार्ट में नहीं जा सकता, है ना. ऐसे थोड़ी ना होगा कि खाना एक एक करके हाथ में जा रहा है, पैर में जा रहा है, सिर में जा रहा है, ऐसे नहीं होता. तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो खाना तो वहीं पे रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इधर ही रहेगा. बट उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो गए और हमारी बॉडी में जाएंगे, पूरी बॉडी में वाया ब्लड. राइट, सो और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? 80% इंजेस्टेड वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स. राइट, एंड द वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट, द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बोथ सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बगैर, डाइजेस्टिव जूसेस जैसे सीक्रेट होते हैं ना स्टमक में, ठीक वैसे ही डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सीक्रेट होते हैं, सो एज टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली. देन नेक्स्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, दिखाया हुआ है. ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहा जाता है, उसकी लेंथ तो कम है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट उसकी विड्थ ज़्यादा है, ब्रॉड है वो थोड़ा. ठीक है, तो इसीलिए उसको लार्ज कहा जाता है. मोटा दिख रहा है ना, मोटा पाइप है वो. ठीक है, तो इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन है 7 मीटर्स लॉन्ग, 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग, और ये होता है 1.5 मीटर लॉन्ग. और इसका क्या काम है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्टली सॉल्ट एंड वाटर. जो भी बचा हुआ बचे हुए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जिसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्टली सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज डन बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, सो एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द रेक्टम. ठीक है, ये वाला पार्ट, एंड रेक्टम. ओके, शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड द फीसेस बिफोर इट इज एक्सपेल्ड. राइट, तो जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है खाना खाने के बाद, ठीक है, तो वो जाता है रेक्टम में. यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज होता है और उसके बाद वो थ्रो किया जाता है एनस से आउटसाइड द बॉडी. द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ रेक्टम. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग, और एब्सॉर्प्शन कैसे होता है इसमें? ठीक है, जिस लॉन्गर तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये लॉन्गर नहीं है. ओके, बट इसको क्यों कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन? विड्थ ज़्यादा है. ओके, और इसका फंक्शन क्या है? सम सॉल्ट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सॉल्ट्स एंड वाटर, वाटर एंड सॉल्ट्स का एब्सॉर्प्शन. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन. एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नथिंग बट वॉट? इट इज अ रेक्टम. ये टेम्पररी स्टोरेज होता है, इसमें जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में वो यहाँ पे स्टोर होता है और उसके बाद वो एनस से थ्रो किया जाता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, ये थोड़ा सा आपके लिए हो जाएगा. सो दैट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. And have a nice day ahead.